पंजाब के किसान एग्रीकल्चर अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। बरनाला में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने केंद्र सरकार के खेती ऑर्डिनेंस MSP खत्म करने की कोशिश, डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस मार्च में बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। हालांकि जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर मार्च को अनाज मंडी में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने खेती ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेने, MSP को खत्म करने और पंजाब के बिजली विभाग को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर पंजाब में अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने हुंकार भरी है। एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस में फसलों की MSP को लेकर बादल गांव में उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पंजाब में MSP को खत्म नहीं होने देंगे। किसानों की मांग को लेकर सुखबीर बादल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। सुखबीर बादल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार उन्हें दिए गए MSP और खरीद के आश्वासन को तोड़ती है तो अकाली दल चुप नहीं बैठेगा। मेरे को श्रोमणी अकाली दल जी पार्टी है किसानों की जथेबंदी, जिमें थोड़ी किसानों की जथेबंदी है, श्रोमणी अकाली दल भी किसानों की जथेबंदी। पूरी जिंदगी असी किसानी वास्ते लड़े हैं तो मैं इन्होंने एक शोर किया कि थोड़ी जी गल है वो मैं सेंटर के जो वजीर है जेडे मैं उन्होंने बेनती की है किड़ी कि चीज़ा थोड़े मन च जी शक पादियाँ वो तुम मैं दस दौ लिख के दे दौ वो थोड़ी मीटिंग करा के वह असी पूरा उन्हों तो लिख के जवाब लेवे सारा कुछ। मैं प्रधान जी ने एक गल शुरू की है कि जदों तक मैं प्रधान है श्रोमणी अकाली दल का MSP पंजाब च रहूगी तो खरीद रहूगी। हमारे साथ विशाल अंग्रेज जुड़ गए हैं। विशाल, सुखबीर बादल का ये कहना कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई क्या वो इनके साथ धरने पे उतर जाएंगे या फिर गठजोड़ तोड़ सकते हैं? बिल्कुल ही साक्षी, उन्होंने साफ और स्पष्ट भी कर दिया था कि केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी बार बार कहा है कि MSP हटाई नहीं जा रही, और वहीं पर अकाली दल द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इसके पीछे राजनीति कर रही है और यही कारण है कि सारे प्रदेश में आज जो किसान है, चाहे वो अलग अलग यूनियन है, चाहे किसान यूनियन लखोवाल है या राज्यवाल जो दूसरे संगठन है, वो लगातार ही सड़कों के ऊपर भी उतरे हुए हैं और उन्होंने अपना प्रोग्राम भी बनाया हुआ है कि हर एक जो सांसद है उसके घर का घेराव भी किया जाएगा। और इसी के चलते कल जो कई किसान यूनियनों के जो लोग थे उन्होंने सुखबीर बादल और जो केंद्रीय मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल के साथ कल मुलाकात भी की थी, और उसके बाद सुखबीर बादल ने बयान भी दिया था कि यदि सबसे पहले कुर्बानी देनी पड़ी तो श्रोमणी अकाली दल ये कुर्बानी देगा और किसानों के मुद्दे के ऊपर पीछे नहीं हटेगा। और वहीं पर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो आने वाला सेशन है, सेशन में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा, किसानों के बारे में जो भी ऑर्डिनेंस सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली के बारे में हो, चाहे MSP के बारे में हो, जिसमें से कहा जा रहा है कि मंडियों को खत्म किया जाएगा, जैसी चर्चाएं पंजाब में लगातार चल भी रही है, और यही कारण है कि किसान सड़कों के ऊपर उतरे भी हुए हैं। और इसके बाद जिस तरह से पूरी रणनीति श्रोमणी अकाली दल ने भी तैयार कर ली है, कांग्रेस द्वारा जो उनके MPs हैं वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि 2022 में पंजाब का चुनाव होना है और आज से ही चुनाव की हुंकार भी भर दी गई है अलग अलग। जी विशाल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।